हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथमेटिक्स की, चैप्टर नंबर है 3, चैप्टर नाम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3G, और क्वेश्चन नंबर 20th हम कर रहे हैं जिसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन इस पॉलिनोमियल का। ये किस प्रकार से होगा, कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी, आपको पहले जो भी फार्मूले इस चैप्टर के अंदर हैं जो अब तक आ चुके हैं या आने वाले हैं, पहले आपको वो फॉर्मूले अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लेने चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फिर, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट अस डू। अब ये देखिए कि क्यों, अब ये देखिए कि क्योंकि बिकॉज 5a-7b + 7b-9c + 9c- का 5a, जो भी अंदर ब्रैकेट में है, मैंने इसको x ले लिया, इसको माना y और इसको माना z, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर है, पावर 3 को छोड़ देते हैं, इन तीनों का जोड़ अगर करें और वो 0 आ जाए, 0 आ रहा है यहाँ पर आप देखें तो, देखिए 5a से जो है ना ये वाला 5a कट गया, इस 7b से ये वाला कट गया और ये -9c से +9c खत्म हो जाता है, तो आपको मिलता है 0। तो जब कभी भी आपको ऐसा मिलता है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, जो हमने यहाँ पे x और वाई जेड ले रखा है ना, x ये वाई अंदर ब्रैकेट के जाए, ठीक है, ये जेड हो गया, तो जब कभी ऐसा हो तो उसकी पावर 3 वाला x³ + y³ + z³ बराबर होता है 3xyz के, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, और फिर इसी वजह से क्या होगा कि 5a-7b का होल क्यूब प्लस 7b-9c का होल क्यूब प्लस 9c-5a का होल क्यूब बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई में एक्स, जो कि यहाँ पर है 5a-7b, ठीक है। ये एक्स जो वैल्यू है ये हमने ले ली, फिर दूसरी वैल्यू 7b-9c जो कि वाई के कोरस्पोंडेंस में है ना, और फिर 9c- का 5a, ठीक है। ये आ गई वैल्यू जो जेड है, जेड के कोरस्पोंडेंस में 3xyz, जब कभी क्या हो x प्लस वाई प्लस जेड जो पावर 3 के अंदर जो दे रखी वैल्यू, जो यहाँ पर ये थी और ये थी, इन तीनों का जोड़ जब कभी भी 0 आ जाए तो उनकी पावर 3 का जो जोड़ है उसकी फैक्टराइजेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं 3xyz। तो जो x और y और z की कॉरस्पॉन्डेंस में वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है और ये आपका आंसर होगा, फैक्टराइजेशन आपको करना था, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बेल आइकन के बटन को जरूर से याद से दबा देना है, साथ ही साथ इसके साथ आपको करना है ऑल पर क्लिक ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।